नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ है चेतन आनंद, आरजेडी के विधायक हैं। सर, बहिष्कार जो आप लोगों ने किया है, क्या अभी तक कोई ऐसा बात आप लोगों से कोई किए? देखिए, सबसे पहली बात है कि कल हम लोगों ने, हमारे नेता ने यही बोला था कि डिबेट होना चाहिए, जो वो हादसा हुआ है उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, पक्ष विपक्ष जो भी है, हाँ सारी बातें, ताकि फ्लोर पे जा सके और फ्लोर के माध्यम से जनता में जा सके कि कैसे क्या गलत काम हुआ है, और जो भी मतलब जिसका जो पक्ष है वो अपना अपना पक्ष रखे। कोई गलत मांग तो नहीं थी इसमें, लेकिन उसको नहीं मानना इन लोगों ने ज़्यादा ज़रूरी समझा। और जब एक ही तरफ का क्या कहते हैं वो चलने वाला है, जब क्या कहते हैं सरकार में जो ताबिज़ लोग हैं, जो लोग हैं उन्हीं की बात सुनी जाएगी, तो फिर भाई विपक्ष की क्या ज़रूरत है, हम लोग अपना सदन अलग चलाएंगे। आखिर आप लोग मानसून सत्र के तीसरे दिन आप लोग सदन के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्या कुछ आपके अलग से और मुद्दे हैं जो कि अभी तक आपने किया? आपको पता है कि युवाओं को रोज़गार देने की बात की थी इस सरकार ने, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ इन लोगों ने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन वादा निभाना नहीं जान रहे, और इसीलिए आज जो है ये माहौल, हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि बाहर ही रह करके हर एक उस चीज़ का विरोध हम लोग करेंगे जो गलत चल रही है। आप लोग कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी मांगे, क्या कुछ है? देखिए, वो सब मांगे आपके सामने है, जो भी है वो तो कल बात हुई ही थी, कल आपने देखा भी क्या क्या कैसे हुआ। आगे अब आप लोग दो दिन और बची हुई है शेष, कैसे सदन की कार्रवाई आगे चलेगी सर? अब तो देखिए, हम लोगों के तरफ से तो यही है कि मतलब पहले डिबेट हो, हाँ डिबेट की बात जब इन लोगों ने मानी नहीं तब जा करके हमारा सदन बाहर चल रहा है। अगर नहीं आगे भी ऐसी इसी तरह की अगर होते रहेंगे तो फिर क्या आप लोग सोचे हैं? वो समय आने पे सब कुछ आपको दिखाई देते रहेगा, जो भी रणनीतियाँ या फिर जो भी ऐसा ऐसी बात होगी वो आपके सामने आती है। तेजस्वी यादव आएंगे अब देखिए। बिल्कुल, तो ये चेतन आनंद से आरजेडी के विधायक, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पिछले बजट सत्र के दौरान जिस तरह से विधायकों के साथ बदसलूकी की गई और मारा पीटा गया, तो ऐसे बात जो है विधायकों के साथ अगर होती है तो ये सबसे जो है सबसे ज़्यादा अगर विधायकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसके लिए सबसे पहले स्पीकर को एक बैठक बुलानी चाहिए, बैठक में सभी का राय मशवरा करना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि आज मॉनसून का तीसरा दिन है और विपक्ष बाइकआउट किया है, सदन के बाहर ही है, लोग अपना अलग से सदन चला रहे हैं, और आरजेडी का कहना है कि अगर इसी तरह का अगर रवैया सरकार का रहा तो सदन में जो कार्रवाई चल रही है हम लोग उसमें भाग नहीं लेंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। इसके और बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।